नमस्कार दोस्तों, यह विपणन के बारे में हमारी चार वीडियो श्रृंखलाओं में से दूसरी है। इस वीडियो में हम आपके उत्पाद के मूल्य निर्धारण के बारे में बात करेंगे, जो बाजार में पहली बार प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि बाजरा कुकीज, लड्डू और बूंदी निर्माताओं ने अपने उत्पादों की कीमत कैसे निर्धारित की है। क्या आपने कीमतों में व्यापक भिन्नता देखी है? कुछ खिलाड़ी प्रीमियम कीमत क्यों ले सकते हैं, जबकि अन्य बहुत कम शुल्क क्यों ले सकते हैं? इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि इन खिलाड़ियों की कीमत अलग अलग क्यों है और आपको अपने उत्पाद की कीमत कैसे तय करनी चाहिए। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली दो शीर्ष मूल्य निर्धारण रणनीतियां लागत प्लस मूल्य निर्धारण और मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण है। सबसे पहले लागत और मूल्य निर्धारण। इसमें लाभ मार्जिन सुनिश्चित करने के लिए माल की लागत में एक मार्कअप जोड़ना शामिल है। मूल्य पर प्रतिस्पर्धा करते समय इस विधि का उपयोग करें। यह एक मूल्य संवेदनशील सामूहिक बाजार में बेचने के लिए आदर्श है, जहां कीमत सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जबकि अच्छा स्वाद, गुणवत्ता, परिष्करण और पैकेजिंग जैसे अन्य कारकों को अपने प्रतिद्वंद्वी के समान रखते हुए। उदाहरण के लिए, यदि 1 किलोग्राम बाजरा कुकी या लड्डू मूल्यवर्धन उत्पाद की उत्पादन लागत 98 रुपये है, तो आप अपनी कीमत 40% से 50% के अंतर पर निर्धारित कर सकते हैं। मान लीजिए 246 रुपये प्रति किलोग्राम बाजरा कुकी या लड्डू, यह मानते हुए कि आपके प्रतियोगी 246 रुपये प्रति किलोग्राम से कम में नहीं बेच रहे हैं। दूसरा, मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण। ये रणनीति उत्पाद की लागत के बजाय ग्राहक के लिए कथित मूल्य के आधार पर कीमतें निर्धारित करती है। स्वच्छता, अच्छा स्वाद, गुणवत्ता, परिष्करण और पैकेजिंग जैसे मूल्य के अलावा अन्य कारकों पर प्रतिस्पर्धा करते समय इस विधि का उपयोग करें। यह मध्यम से उच्च आय वाले बाजारों के लिए आदर्श है, जहां गुणवत्ता और पैकेजिंग कीमत से अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भले ही 1 किलोग्राम बाजरा कुकीज या लड्डू मूल्यवर्धन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत 98 रुपये है, फिर भी आप स्वच्छता, अच्छा स्वाद, गुणवत्ता, परिष्करण और पैकेजिंग जैसी बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रीमियम लेने के लिए अपनी कीमत 300 रुपये से 400 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित कर सकते हैं। इनके अलावा आप अन्य रणनीतियों पर भी विचार कर सकते हैं। शुरू में ग्राहकों को आकर्षित करने और बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कम कीमतें निर्धारित करें, फिर धीरे धीरे कीमत बढ़ाएं। शुरू में नए और अद्वितीय उत्पादों के लिए उच्च मूल्य निर्धारित करना, फिर प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर उन्हें कम करना। मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण का उपयोग करना, जैसे किसी उत्पाद को सस्ता दिखाने के लिए 100 रुपये के बजाय 99 रुपये पर सेट करना। कई उत्पादों को जोड़ना और प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने की तुलना में कम कीमत पर बंडल की पेशकश करना। उत्कृष्ट गुणवत्ता या विशिष्टता को इंगित करने के लिए प्रतियोगियों की तुलना में अधिक कीमतें निर्धारित करना। बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य बाहरी कारकों के आधार पर कीमतों को लगातार समायोजित करना। इसके बाद अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार करें और अपने संभावित ग्राहकों से पूछें कि वे आपके उत्पाद के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए व्यापार कोच चैनल की सदस्यता लें।